फ्रेंड्स, मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम वेल्थ टैरोट एंड एस्ट्रोलॉजी। एंड आज की ये वीडियो है जोडियक साइन से रिलेटेड, विच इज रिलेटेड टू द टॉरस जोडियक साइन, हाउ देयर दिस मंथ ऑफ सितंबर इज गोइंग टू बी। ठीक है, एंड आज की हम इस वीडियो में इस जोडियक साइन के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लाइव वीडियो, मैं आपको बता दूं, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, कि मैं हूं भावना बाटला, एक टैरो कार्ड रीडर, एक लाइफ कोच, एक न्यूमरोलॉजिस्ट और एक वास्तु स्पेशलिस्ट। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी ज़रूर बता दूँ कि इस वीडियो को लाइक फॉलो करना ना भूलें, मेरे पेज को लाइक फॉलो करना ना भूलें, इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें, और अगर आप YouTube पर हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसके अंदर हम बात करेंगे टॉरस जोडियक साइन के बारे में। तो आज मैं बताऊँगी हाउ देयर दिस मंथ ऑफ सेप्टेम्बर इज गोइंग टू बी। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे for this month of September. So first I'm going to pick the cards for them. Okay. So the very first card I've got is the Ace of Sword, the World, the Lovers, and the Nine of Sword. Okay. सो वट आई कुड सी कि ये सेप्टेम्बर का जो मंथ रहेगा, जो भी टॉरस हैं, टॉरस आर द पीपल्स हु आर बॉर्न बिटवीन 20th April टू 20th of May। तो आज के ये जो कार्ड्स आए हैं आर सेइंग कि जो भी टॉरस होंगे उनके द फर्स्ट वीक इज गोइंग टू बी वेरी गुड, वेरी नाइस, एंड काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हुई दिख रही हैं। पहले दो वीक जो हैं आपके, चल 15th of September, चीज़ें बहुत ही अच्छी रहेंगी। अगर किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करा है तो वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई भी प्लानिंग करी है तो उसमें अगर कोई भी कंपटीशन है, कोई भी प्लानिंग है, ठीक है, जो अभी तक तो वर्कआउट नहीं कर रही थी तो बिल्कुल वो वर्कआउट करते हुए नज़र आ रही है। ओके, एंड इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर गेटिंग मैरिड और इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर गेटिंग अ जॉब, either if you are planning to conceive a baby, either if you are planning for something like anything, it will definitely getting, you will definitely accomplish that, theek hai, within this 2 weeks. So for the Taurus, the September month is going to be very positive, especially the first 2 weeks, and even the third week I could see that yes, the third week is also giving you a very positive vibes. It's a card of lovers which says that you will get a love all around. Aap relationship ko bahut zyada importance denge, aapke aas paas jo bhi log hain they will be emotionally connected to you, there is a kind of a blessings which is given to you. Theek hai, stable rahenge aur aap enjoy karenge apna third week bhi zarur, but there is, as in the starting mein jitni positive vibes aayi thi the third week तक चीज़ें सही थी, लेकिन फॉर द फोर्थ वीक देर इज समथिंग नेगेटिव विच इज़ ऑल्सो नॉट वेरी हाईली नेगेटिव, इट्स वेरी लेस नेगेटिव। ठीक है, तो इस टाइम पर चीज़ें जो हैं आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेंगे, सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको एज इन द सेकेंड वीक जो आपको लव मिला है ना, ठीक है, तो ये जब प्यार जो हमें लोग करते हैं ना, वे कुछ ऑल्सो सेज कि उन्हें इतना हक भी होता है कि वो हमें डांट भी सकें, राइट? सो द सेम थिंग्स यहाँ पर, वो जो छोटी सी डांट आपको पड़ेगी या छोटे से आपके प्रॉब्लम्स अराइज होंगे ना, तो आप उस चीज़ को अपने माइंड पर ले लेंगे, अपने दिल पर ले लेंगे, जिस वजह से आप ये पूरा हफ्ता उन चीज़ों के बारे में सोचने में लगा सकते हैं। ठीक है, सो डू नॉट डू दैट। सो जितना पॉजिटिव ये वीक मतलब ये मंथ चलता हुआ आएगा, जाते हुए एंड में ये इतना नेगेटिव ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखें। और बिल्कुल अगर इस चीज़ का ध्यान रखा तो आई कुड सी दैट येस, फॉर द टॉरस दिस वीक इज़ अबाउट मीन्स अमेजिंग फॉर यू। लाइक इफ़ यू आर वंडरिंग फॉर जॉब, सबसे पहले अगर हम बात करें जॉब से रिलेटेड, अगर आप उन लोगों में से हैं, इफ यू आर अ टॉरस एंड यू आर फाइंडिंग अ जॉब, ठीक है, सो आई विल पिकिंग कार्ड फॉर यू, देन यस यू विल बी गेटिंग अ जॉब। अपॉर्चुनिटी आसपास रहेंगी, अब उन अपॉर्चुनिटीज को आपको खुद ग्रैब करना है, पैसे बना पाओगे आप, ठीक है। इफ यू आर अ टॉरस एंड यू आर प्लानिंग, इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस, ओके, सो आई विल बी पिकिंग कार्ड फॉर यू, हाउ मच प्रॉफिट यू विल बी अर्निंग, हाउ मच वेल्थ यू आर गोइंग टू अर्न, ओके ओके। इफ यू आर अ टॉरस एंड यू आर डूइंग अ बिजनेस, तो थोड़ा टेंशन में ये वीक रह सकता है, ये ईयर, सॉरी
ये मंथ रह सकता है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ये मंथ थोड़ा टेंशन में रह सकता है, हो सकता है लोग आप में इन्वेस्ट, आपके बिजनेस में इन्वेस्ट ना करना चाहें बिकॉज देर आर सम काइंड ऑफ ट्रस्ट इश्यूज. जल्दी डिसीजन मत लीजिएगा, थोड़ा टाइम लगाएंगे डिसीजन लेने में तो सही रहेगा, सोच समझ के डिसीजन लेना है आपको. इफ यू आर अ टॉरस नाउ एंड इफ यू आर प्लानिंग टू गेटिंग मैरिड, तो लेट अस चेक फॉर द टॉरस अबाउट देयर मैरिज. देन यस, आपकी मैरिज होने के फुल्ली चांसेस हैं, लेकिन फैमिली सपोर्ट कहीं ना कहीं थोड़ा लैक पड़ रहा है, फैमिली की तरफ से थोड़ा लैक हो जाएगा सपोर्ट, लेकिन बिल्कुल सपोर्ट मिलेगा. ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स है वो खत्म होते हुए नजर आ रही हैं एंड यू विल सून बी गेटिंग मैरिड, और मैरिज जो होगी थोड़ी दूर हो सकती है आपके घर से. ठीक है, सो डेफिनेटली, और अगर आप अब्रॉड जाने का भी सोच रहे हैं या फिर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं किसी ट्रिप की, तो उसके लिए भी पॉजिटिव चांसेस हैं. ठीक है, ओके. इफ यू आर अ टॉरस एंड यू आर प्लानिंग फॉर अ, इफ यू आर राइट नाउ अ सिंगल एंड इज इन अ रिलेशनशिप, हाउ दैट रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी, लेट अस चेक फॉर दैट. ओके, देर कुड बी सम काइंड ऑफ फाइट्स इन योर रिलेशनशिप. ओके, एंड डेफिनेटली यू हैव टू डील इट विद वेरी मच एनालिटिकल पावर होनी चाहिए. ठीक है, तो फाइट्स हो सकती हैं इफ यू आर राइट नाउ इन अ रिलेशनशिप विथ सम वन, एंड दैट रिलेशनशिप की फाइट आपको बहुत ज़्यादा टेंशन भी क्रिएट कर सकती है आपके माइंड में. ठीक है, दिस इज़ फॉर द करियर, दिस इज़ फॉर द रिलेशनशिप, एंड दिस इज़ फॉर अबाउट कंसीविंग. क्या मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन सम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, तो ऑफकोर्स ये वीक जो है बहुत ही पॉजिटिव जाने वाला है आपका, ये मंथ, सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये मंथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जाने वाला है आपका. एंड वेल्थ के बारे में भी बात हो गई है, सो आई थिंक हेल्थ के बारे में रह गया, सो आई विल बी पिकिंग द कार्ड फॉर द हेल्थ. इफ़ यू आर अ टॉरस एंड इफ देयर इज सम काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज गोइंग ऑन विद यू, ओके, सो उससे थोड़ा डील करना पड़ सकता है आपको, बिकॉज आई हैव गॉट अ नेगेटिव कार्ड फॉर दैट, तो उस चीज़ में थोड़ी डीलिंग ज़रूर होगी, लेकिन चीज़ें जो है संभल जाएंगी, केयर ज़रूर मिलेगी, फैमिली का सपोर्ट ज़रूर मिलेगा आपको, पैसे ज़्यादा स्पेंड हो सकते हैं अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं कुछ भी तो उसके ऊपर, लेकिन चीज़ें आपको उसमें आराम और रिलीफ ज़रूर मिलेगा. सो टेक केयर, डू रेस्ट अलॉट. ठीक है, अगर किसी भी तरीके का हेल्थ इश्यूज़ हैं तो. So I really hope that to all the Taurus, they must have got all their answers, क्योंकि मेरे live session में भी I have got so many questions and I have tried कि मैं इस video को उसी way में बनाऊँ जिस way में मुझे live sessions में question मिलते हैं, and the people in the live sessions are asking me related to the job, related to the career, related to their conceiving, related to their marriage. So I really hope कि मैंने इस video में ये सारी चीज़ें cover up करी हैं, and it really helps you out for this month of September. So stay connected on our page. All the best.